हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 1.3 ऑफ चैप्टर फर्स्ट नोइंग आर नंबर्स। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन सेकंड ये गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10 ए बी सी डी। देखिए इसमें क्या करना है, देखिए हमें एक बार क्या करना है स्टूडेंट, एक बार हमें राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 का निकालना है, ठीक है। राउंडिंग उसकी दूसरी हमें इसमें इसका दो आंसर चाहिए, ठीक है। एक राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, एक राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 10, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, क्लोजर एस्टिमेट मतलब दोनों का आंसर, ठीक है। दोनों का आंसर क्या आएगा, दोनों का आंसर इसमें थोड़ा एक दूसरे के आगे पीछे होगा, ठीक है। तो वही कह रहे हैं क्लोजर एस्टिमेट, दोनों का आंसर क्या होगा, एक दूसरे के आगे पीछे होगा, ठीक है। तो इसमें यह निकालना है, ठीक है। देखिए ए बस क्या करना है आपको, सिंपल ऐसे कोई क्वेश्चन दिया हो तो क्या करना है आपको, पहले राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100 निकालना है, राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10 निकालना है। दोनों का आंसर क्या होगा, दोनों का आंसर आगे पीछे ही आएगा, ठीक है। देखिए उसमें पहले हम निकालेंगे नियरेस्ट 100, ठीक है। अब देखिए उसमें 439 का आप तो देखिए उसमें आपको पता है कि राउंड ऑफ कैसे करते हैं, कैसे करते हैं पता हो तो आप क्वेश्चन बहुत अच्छे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए उसमें नियरेस्ट 100 कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए उसमें जिसका निकालना होता है क्या करते हैं, जैसे नियरेस्ट 100 का निकालना है तो क्या करते हैं 110 100, उसके बाद क्या करते हैं 100 के जस्ट राइट साइड वाला नंबर जो होगा उसको हम देखते हैं, अगर वो 5 से बड़ा है तो जिसका नियरेस्ट निकालेंगे उसमें 1 प्लस होगा, ठीक है, उसके बगल वाला नंबर, ठीक है। अगर वो 5 से छोटा है उसके जस्ट जिसका हम नियरेस्ट निकालेंगे उसका जस्ट बगल वाला नंबर अगर 5 से छोटा है तो जिसका हम नियरेस्ट निकालेंगे उसमें 1 प्लस नहीं होगा, ठीक है। अगर 5 से बड़ा है तब 1 प्लस होगा, ऐसे निकालते हैं नियरेस्ट 100 का। नियरेस्ट 10 का भी आप निकाल लेंगे, नियरेस्ट 110, 10 के जस्ट बगल नंबर कौन सा होता है, जो नंबर 1 पे रखा होगा वही होगा, 10 के बगल में क्या होता है 1 होता है, ठीक है, राइट साइड में, ठीक है, 1 होता है। तो 1 पे जो नंबर होगा अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तब हम जो नंबर 10 पे रखा होगा उसमें 1 से प्लस करेंगे, ठीक है। नियरेस्ट 10 का निकाल रहे हैं मतलब 10 पे जो नंबर रखा होगा उसमें 1 से प्लस करेंगे। अगर वो इसको जस्ट बगल नंबर जो 1 पे रखा हुआ है वो अगर 5 से बड़ा होगा तो, अगर नहीं बड़ा हो तो जो नंबर नियरेस्ट 10 पे रखा है उसमें हम 1 प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, तो देखिए स्टूडेंट पहले हम निकालते हैं नियरेस्ट 100 निकाला है इसमें, ठीक है, पहले नियरेस्ट 100 निकालते, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट यहां लिख लेते हैं, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100, ठीक है। अब देखिए 439 का राउंडिंग ऑफ कितना होगा, 439 का राउंड करेंगे, आप लिख लीजिए राउंड 439 राउंड ऑफ टू, 439 का राउंड ऑफ कैसे करेंगे उसमें, देखिए नियरेस्ट 100 काम कर रहे हैं, ठीक है, तो 439 का राउंड ऑफ करना है हमें, तो कैसे होगा, देखिए इसमें 100 करना है तो 110 100, ठीक है। अभी मैंने बताया स्टूडेंट क्या करते हैं, जिसका नियरेस्ट निकालते उसको जस्ट राइट साइड नंबर देखते हैं, अगर वो 5 से बड़ा है तो उसमें जिसका नियरेस्ट निकाल तो उसमें 1 प्लस होगा, अगर 5 से छोटा तो नहीं होगा, ठीक है। 110 100 100 ये है, जस्ट राइट साइड नंबर क्या है इसमें 3 है, 3 क्या है 5 से बड़ा है कि छोटा है, 5 से छोटा होता है, 5 से छोटा होता है क्या करेंगे इसमें, हम इसमें 1 प्लस करेंगे कि नहीं करेंगे, इसमें 1 प्लस नहीं करेंगे। अब देखिए उसमें 1 प्लस हम नहीं करेंगे, राइट साइड 1 प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसमें राइट साइड जिसका हम नियरेस्ट निकालते हैं स्टूडेंट, जैसे नियरेस्ट 100 निकाला, नियरेस्ट 100 राइट साइड में कितना नंबर आता है, 1 आता है, 10 आता है, तो दोनों नंबर क्या है 0 हो जाते हैं, ठीक है। अगर नंबर बड़ा भी हो छोटा भी तभी भी क्या होगा, दोनों नंबर क्या 0 हो जाते हैं, ठीक है। जब इसमें 1 प्लस हम देखेंगे ये 4 रहेगा और ये दोनों नंबर 0 हो जाते हैं, ठीक है, हो गया। अब 334 का राउंड ऑफ करते हैं, 334 राउंड ऑफ टू, 334 का राउंड ऑफ करते, ठीक है। देखिए स्टूडेंट 334 का राउंड ऑफ करते हैं 110 100, 100 के जस्ट बगल नंबर कौन सा, 3 है, 3 क्या 5 से छोटा होता है, 5 से छोटा क्या करेंगे 3 में, हम जब 5 से छोटा होगा तो इस 3 में 1 से प्लस करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है, नहीं करेंगे, तो ये 3 रह जाएगा। और इस 100 के बगल में मतलब नियरेस्ट 100 निकाल रहे हैं तो 110 100 100 के राइट साइड जितने भी नंबर सारे नंबर क्या होते हैं 0 हो जाते हैं, ठीक है, दो नंबर क्या होंगे 0 हो जाएंगे, हो गया। अब थर्ड क्या है, 4317 राउंड ऑफ टू, अब इसका निकालते 110 100 100 ये है, इसके जस्ट राइट साइड नंबर क्या है 1 है, ये है
वन क्या है, फाइव से छोटा है, तो फाइव से छोटा क्या करेंगे, इसमें वन प्लस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो ये दो नंबर तो जिसका नियरेस्ट निकालते हैं उसके बगल वाले नंबर, राइट साइड वाले नंबर, दोनों नंबर जीरो जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जीरो हो गए, इसमें वन प्लस हम नहीं किए क्योंकि इसको जस्ट राइट साइड नंबर क्या है, इसका जस्ट राइट साइड नंबर क्या है, फाइव से छोटा है, फाइव से छोटा है तो इसमें वन प्लस नहीं करेंगे, वन प्लस नहीं करेंगे तो ये थ्री रह जाएगा और ये फोर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें प्लस 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 बोला, तीनों को प्लस करना है तो हम तीनों को प्लस करके देखते कितना आ रहा है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ये फोर फाइव, फाइव थाउजेंड आ गया। अब हम इसका क्या करते हैं स्ट्रिंग, इजी काम, नियरेस्ट टेन निकालते हैं, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट टेन, ठीक है। फोर थ्री नाइन राउंड ऑफ टू कितना होगा इसका, नियरेस्ट टेन में निकाला, ठीक है, वन टेन, ठीक है। अब क्या देखेंगे स्टूडेंट, जस्ट राइट साइड नंबर देखते हैं, अगर वो फाइव से बड़ा है तो जिसका नियरेस्ट निकालते हैं उसमें वन से प्लस होगा, ठीक है, वन टेन, इसके जस्ट राइट साइड नंबर क्या है, नाइन है, नाइन क्या होता है, फाइव से बड़ा होता है, फाइव से बड़ा होगा तो क्या करेंगे इसमें हम वन से प्लस करेंगे, वन से प्लस करेंगे कितना हो जाएगा, थ्री प्लस वन फोर हो जाएगा, फोर गया। और जिसका नियरेस्ट निकालते उसके जस्ट राइट साइड नंबर सारे नंबर क्या है, जीरो हो जाते हैं, इसमें एक ही नंबर है तो एक नंबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। और ये जस्ट राइट साइड नंबर क्या है, फाइव से बड़ा है तो इसमें वन प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा फोर और ये रहेगा फोर, आया। अब देखिए इसमें थर्टी फोर का करते हैं, थ्री थर्टी फोर राउंड ऑफ टू, इसका देखिए वन टेन, ठीक है, टेन टेन के जस्ट बगल नंबर क्या है, वन है, वन पे कौन सा नंबर रखा है, फोर रखा है, फोर क्या होता है, फाइव से छोटा है, फाइव से छोटा है तो इस पे हम वन से प्लस करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये थ्री रह जाएगा और ये जीरो हो जाता है, थ्री थर्टी फोर, ठीक है, ये जीरो हो गया। इसके राइट साइड नंबर क्या है, फोर है, फाइव से छोटा होता है तो ये थ्री का थ्री रह जाएगा और ये थ्री, और थ्री वन सेवन राउंड ऑफ टू, इसका निकालते हैं वन टेन, टेन निकालना है, टेन के जस्ट राइट साइड नंबर क्या है, सेवन है, सेवन क्या होता है, फाइव से बड़ा होता है, फाइव से बड़ा होगा तो क्या करेंगे इसमें हम वन से प्लस करेंगे, प्लस करेंगे, राइट साइड नंबर क्या है, सेवन है, सेवन क्या जीरो हो जाएगा, जीरो हो गया। और ये इसका जिसका हम टेन निकाल रहे हैं, जिसका नियरेस्ट निकाल रहे हैं वन टेन, टेन का राइट साइड नंबर क्या है, सेवन, सेवन फाइव से बड़ा होता है, फाइव से बड़ा होगा तो इसमें वन, वन से प्लस होगा, वन प्लस वन टू हो गया। और ये हम ये दोनों नंबर ऐसे रख देंगे, ठीक है, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, इसको हम ऐड करके देखते हैं कितना आता है, जीरो फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, फोर फाइव। अब देखिए सर, इसका फाइव थाउजेंड आ रहा है, इसका फाइव थाउजेंड नाइनटी आ रहा है, ठीक है, फाइव थाउजेंड नाइनटी आ रहा है, दोनों एक दूसरे के थोड़ा क्लोजर पे है स्टूडेंट, एक का फाइव थाउजेंड है, एक का फाइव थाउजेंड नाइनटी, बीच में कितना, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, नाइनटी का है, तो दोनों क्लोजर हुए एक दूसरे के, सिर्फ नाइनटी का डिफरेंस है दोनों के बीच में, दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के क्लोजर होंगे, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, बी वन जीरो एट सेवन थ्री सेवन माइनस फोर्टी सेवन फाइव नाइन फाइव, पहले हम निकालते हैं राउंडिंग ऑफ टू दी नियरेस्ट हंड्रेड, ठीक है, इसका वन जीरो एट सेवन थ्री सेवन राउंड ऑफ टू, इसका राउंड ऑफ निकालते हैं हंड्रेड, हंड्रेड के नियरेस्ट, ठीक है, वन टेन, यहाँ पे सेवन भी है ना, ठीक है, वन टेन हंड्रेड, ठीक है, हंड्रेड के जस्ट राइट साइड नंबर कौन सा है, थ्री है, थ्री है तो थ्री क्या फाइव से छोटा, तो फाइव से छोटा होगा क्या करेंगे, सेवन का सेवन रह जाएगा और ये दोनों नंबर जीरो हो जाएंगे, ये दोनों जीरो हो गए, ये सेवन हो गया, ये एट हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, हो गया। सेकेंड नंबर क्या है, फोर सेवन फाइव नाइन नाइन राउंड ऑफ टू, इसका निकालिए वन टेन हंड्रेड, हंड्रेड के जस्ट बगल नंबर क्या है, नाइन है, नाइन क्या फाइव से बड़ा होगा, फाइव से बड़ा होगा स्टूडेंट तो ये फाइव प्लस वन सिक्स हो जाएगा, होगा। और इसके जस्ट राइट साइड नंबर क्या हो, जीरो जाते हैं, दो नंबर है, दो नंबर क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। इसके राइट साइड नंबर क्या है, फाइव से बड़ा है तो ये क्या होगा, सिक्स हो जाएगा और ये सेवन हो गया, ये फोर हो गया, ठीक है। दोनों का हमने क्या करना है, प्लस कर लेना है, ठीक है, सॉरी माइनस, यहाँ माइनस है ना, माइनस करना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए, सॉरी यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिए, वन जीरो एट सेवन जीरो 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 सिक्स सेवन फोर, जीरो 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 सेवन सिक्स गया वन, एट में सेवन गया वन, टेन में से फोर गया सिक्स, ठीक है, कितना आया,
अब देखिए स्टूडेंट, इसका नियरेस्ट 10 निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए नियरेस्ट 10 निकालेंगे तो कितना होगा, 108737, 108737 का राउंड ऑफ नियरेस्ट 10 भी निकालना, ठीक है। 110, 10 के जस्ट बगल नंबर क्या है, 7 है। 7 क्या 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इसमें 1 से प्लस करेंगे नहीं करेंगे, 1 से प्लस करेंगे, ठीक है। 1 से प्लस करेंगे ये 4 हो जाएगा, और इसके राइट साइड नंबर क्या होते हैं, 0 हो जाते हैं। राइट साइड नंबर सिर्फ, राइट साइड में इसके सिर्फ एक नंबर है, तो वो नंबर 0 हो जाएगा। तो ये 0 हो गया, ये इसके राइट साइड नंबर 7 था, 5 से बड़ा था, तो ये 4 हो जाएगा, ये 7 हो गया, ये 8 हो गया, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ठीक है। अब सेकेंड नंबर क्या है, 47599 राउंड ऑफ 2, 110, 10 में निकालना है। 10 के जस्ट राइट साइड नंबर क्या है, 9 है। 9 क्या 5 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा होगा तो क्या होगा, ये 10 हो जाएगा। 9 प्लस 1 10, 10 हो जाएगा, तो ये 0, 9 प्लस 1 10 है स्टूडेंट, तो 10 का 0 रखेंगे, और ये 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। जब इसमें 1 प्लस करेंगे स्टूडेंट तो कितना आएगा, 9 प्लस 1 10, 5 1 6 7 4 इतना आएगा, और इसका ये 0 हो जाता है, ठीक है। कितना होगा, 4760। आया स्टूडेंट समझ में, आपको 1 प्लस करना है ना इसमें, तो 1 प्लस करेंगे तो 9 प्लस 1 10, 10 का कैरी 1 यहाँ जाएगा, ठीक है, और ये 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम प्लस और सॉरी माइनस कर लेते हैं, ठीक है, देखते हैं इसके क्लोजर आ रहा है कि नहीं। ये 0 हो गया, फोर सेवन सिक्स गया 1, 8 में 7 गया 1, और ये 10 में 6 गया 4। देखिए स्टूडेंट, 61100, 61140, इसमें कितने का डिफरेंस है, इसमें भी 40 का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये दोनों भी क्या होंगे, एक दूसरे क्लोजर आए। सिर्फ इस नंबर में, इन दोनों नंबर में कितने का डिफरेंस है, 40 नंबर का डिफरेंस है, तो वो दोनों क्लोजर आए, ठीक है। अब देखिए सी वाला करते हैं, हमें क्लोजर दिखाना है, क्लोजर एस्टिमेट करना है, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, 8325 माइनस 491, अब इसका करते हैं, इसमें पहले हम 100 करते हैं टू द नियरेस्ट 100, ठीक है। 8325 पहला नंबर है, दूसरा नंबर क्या है, 491, राउंड ऑफ करते हैं, इज इक्वल टू, ठीक है। इसका राउंड ऑफ करेंगे तो कितना है, स्टूडेंट आप यहां लिख लीजिए, मैंने नहीं लिखा, आप यहां पे लिख लेंगे राउंड ऑफ टू द, ठीक है। 8325 का राउंड ऑफ करेंगे 100 के नियरेस्ट पे, 110 100, 100 के जस्ट बगल में कौन सा है, 2 है। 2 क्या 5 से छोटा होता है, 5 से छोटा होता है तो क्या करेंगे, 3 में 1 प्लस नहीं करेंगे, ठीक है। राइट साइड नंबर कितना, राइट साइड नंबर जितने भी सारे नंबर 0 जाते हैं, तो इसका जस्ट राइट साइड कौन सा नंबर है, दो नंबर है, 2 और 5, दोनों नंबर 0 जाएंगे। ये जस्ट राइट साइड नंबर क्या है, 2 और 5 से छोटा है, तो ये 3 के 3 रह जाएगा, और ये 8, ठीक है। सेकंड देखिए 491, 491 क्या है, 100, 110 100, 100 के जस्ट बगल नंबर कौन सा है, 9 है। 9 क्या 5 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा होगा तो क्या करेंगे, हम 4 में प्लस 1 हम करेंगे, ठीक है, प्लस 1 करेंगे, और राइट साइड नंबर दोनों नंबर क्या होंगे, 0 हो जाते हैं। ये भी 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये 415 हो गया, ठीक है। याद रखिए स्टूडेंट, राइट साइड नंबर 0 हो जाते हैं, जिसका हम नियरेस्ट निकालते हैं उसका जस्ट राइट साइड नंबर सारे नंबर 0 हो जाते हैं, ठीक है। इन दोनों में क्या करना, माइनस करना, ठीक है। ये 0, ये 0, 13 माइनस 5 गया 8, और ये इसका कैरी एक 1 यहां चला गया है, तो ये 7 हो जाएगा, 7800, ठीक है। अब हम करते हैं नियरेस्ट 10 में, नियरेस्ट 10, ठीक है। पहला नंबर क्या था, 8325, दूसरा नंबर था 491, राउंड ऑफ टू इज इक्वल टू 8325 क्या करना है, नियरेस्ट 10 में करना, ठीक है। 110, 10 के जस्ट बगल नंबर कौन सा है, 5 है। 5 हो या 5 से बड़ा हो तो जिसका नियरेस्ट निकालते हैं उसमें 1 प्लस करते हैं, ठीक। जस्ट 2 के जस्ट बगल नंबर क्या है, 5, तो 5 है, 5 होता है या 5 से बड़ा होता है, ये 5 है तो इसमें 1 प्लस करते हैं, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो 1 प्लस करेंगे, ठीक है। तो 5 है तो इसमें 1 प्लस करेंगे और ये नंबर 0 हो जाता है, ठीक है। 0 हो गया, ये 2 प्लस 1 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये 8 हो गया, ठीक है।
वन, या देखिए 491 क्या है 10, 110, 10 के जस्ट बगल नंबर कौन सा है 1 है, 1 क्या है 5 से छोटा होता है, 5 से छोटा होता है क्या करेंगे 9 का 9 रह जाएगा और ये नंबर राइट साइड नंबर 0 हो जाता है, ये 0 हो गया, 9 का 9 रह जाएगा क्योंकि इसका राइट साइड नंबर 1 है, 5 से छोटा होता है, ये 4, 0, 13 में से 9 गया ये 4 हो गया और ये 12 में से 4 गया ये 8 हो गया और ये कैरी दे दिया 7। देखिए इसमें दोनों में कितना डिफरेंस आया है, इसका 7800 आया है और इसका 7840 आया है, दोनों में कितना का डिफरेंस है 14 नंबर का डिफरेंस है, दोनों एक दूसरे क्लोजर हुए हो गए। ठीक है अब हम करते हैं डी वाला, फोर एट नाइन थ्री फोर एट माइनस 48365। ठीक है पहले हम करते हैं राउंडिंग ऑफ, नियरेस्ट नियरेस्ट हंड्रेड, ठीक है 489348 राउंड ऑफ टू, अब इसको यहां लिखिए, देखिए सर पहले 100 करेंगे, ठीक है 1 10 100, 100 के जिस बगल नंबर क्या है 4 है, 4 क्या होता है 5 से छोटा होता है, 5 से छोटा होता है इसमें 1 प्लस करेंगे नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, ठीक है नहीं करेंगे तो ये दोनों नंबर 0 जाएंगे, ये 3 क्योंकि इसका राइट साइड नंबर क्या है 5 से छोटा है तो ये 3 का 3 रह जाएगा, 8 9 ये 4, ठीक है इसके करते हैं नियरेस्ट हंड्रेड में 1 10 100, इसके बगल में 100 के बगल 100 के जस्ट राइट साइड में कौन सा नंबर है 6 है, 6 क्या होता है 5 से बड़ा होगा, 5 से बड़ा होता है इसमें हम 1 प्लस करेंगे करेंगे तो ये हो जाएगा, ये दो नंबर राइट साइड जितने नंबर सारे नंबर 0 जाते हैं, ये 0 ये 0 ये 4 जाएगा क्योंकि इसका राइट साइड नंबर क्या है जस्ट बगल नंबर क्या है 5 से बड़ा है, ठीक है ये 8 ये 4, अब इन दोनों को हम क्या करते हैं माइनस करते हैं, ठीक है ये 0 ये 0, 13 में से 4 गया 9, ठीक है 8 8, 13 में से 4 गया 9 हो गया, 9 कैरी 1 इधर चला गया है, ठीक है 1 1 इधर चला गया है इसने कैरी लिया है तो ये 8 हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, ये 8 में से 4 गया 4 और ये 4, ठीक है देखिए जून करते हैं नियरेस्ट 10 में, देखते हैं क्लोजर आता है कि नहीं इसके, नियरेस्ट 10, ठीक है 489348 राउंड ऑफ टू द, इसका सेकंड नंबर क्या है 448365, नियरेस्ट 10 में करना है 110, 10 के जस्ट बगल नंबर कौन सा 8 है, 8 क्या 5 से बड़ा होता है, 5 से बड़ा होता क्या करेंगे 4 में 1 प्लस करेंगे, ठीक है और राइट साइड नंबर क्या होता है 0 जाता है, ठीक है ये 0 हो गया ये 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, ठीक है ये 3 ये 489, ठीक है 110, 10 के जस्ट बगल नंबर क्या है 5 से, 5 हो या 5 से बड़ा हो तो 1 प्लस करते हैं, ठीक है 5 है तो इसमें हम 1 प्लस करेंगे, जिसका नियरेस्ट निकालते हैं उसमें प्लस 1 करते हैं, ठीक है तो इसमें 110, 10 में हम 10 पे कौन सा डिजिट कौन सा नंबर रखा है 6 रखा है, 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा और राइट साइड नंबर क्या 0 जाता है तो ये 0 हो गया ये 617 हो गया ये 3 हो गया ये 48, ठीक है 4 और 8 माइनस करना है 0015 में से 7 गया कितना होगा स्टूडेंट 7 गया 8 हो जाएगा, ठीक है 12 में से 3 गया 9 हो गया 880 हो गया 8 में से 4 गया 4 आया समझ स्टूडेंट, इन दोनों के बीच कितना डिफरेंस है 80 का डिफरेंस है तो ये भी क्लोजर आया है दूसरे की, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा कंप्लीट हो गया, बस आप क्या करना है इसमें दिया हुआ राउंड ऑफ नियरेस्ट 100 नियरेस्ट 10 दोनों का पहले नियरेस्ट 100 निकालिए फिर नियरेस्ट 10 निकालिए, ठीक है दोनों देखिए दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, दोनों का आंसर के बीच में बहुत कम गैप होना चाहिए, ठीक है तो इस क्वेश्चन में ये करना है स्टूडेंट, सो स्टूडेंट आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो, सो स्टूडेंट इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें स्टूडेंट,
अगर अच्छा लगा तो भी करिए, नहीं अच्छा लगा तो भी करिए, स्टूडेंट कमेंट, ठीक है।